मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2 दी एंड आई एम सो प्राउड टू से कि आप में से कई लोगों ने उसको सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। हाई एनर्जी के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि सबको शाउट आउट मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड यार, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। कौन बनेगा शाउट आउट पति के अगले एपिसोड में हम लोग अभी देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 का सॉल्यूशन और देखते हैं किस किसने एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, एक्सरसाइज 2 को बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया है एंड मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा आप सभी के सॉल्यूशन को देखने के लिए। और उसके बाद जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन कर लूंगा ना पूरा नीचे तक, फिर वापस आता हूं। तो सबसे पहले तो ये किया था वीडियो नंबर 20। बाय द वे, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये वीडियो 20 ना करके ट्यूटोरियल 20 करके इसको रिनेम कर दो और यहां पर जो 1 लिखा हुआ है इसको 01 कर दो। तो आई माइट डू दैट, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो 1 की जगह वीडियो 01 लिखा हुआ मिले तो आप चौंकना मत, ठीक है। तो मैं इसको रिनेम कर दूंगा सबको, इनफैक्ट मैंने करी दिया आप लोग जैसे कि देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर वीडियो 20 में जाकर सबसे पहले ये देखूंगा कि भाई ये थी क्या चीज, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा भूल चुका हूँ सच बताऊँ तो। और मैंने इनफैक्ट इसके कॉमेंट में लिखा हुआ था कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें, इनफैक्ट इसको क्यों ना मैं वी एस कोड में ही खोल लूँ, वीडियो 20 को ओपन विथ कोड करूँगा और यहाँ पर ओपन विथ कोड करके इसको कॉपी करूँगा और फिर इसके बाद ये है हमारा वीडियो नंबर 27, ठीक है। तो वीडियो 27 के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊँगा, न्यू फोल्डर वीडियो 27, और वीडियो 27 के अंदर मैं एक नया वी एस कोड इंस्टेंस खोलूँगा और यहाँ पर एक index.html बनाकर इसके अंदर ये चीज़ डालूंगा। तो चलो यार अब बात करते हैं क्या था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन द राइट एन HTML एंड CSS कोड टू स्टाइल अ पैराग्राफ इनसाइड अ डिव विच कंटेन्स 5 अदर पैराग्राफ्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक डिव है और डिव के अंदर 5 और पैराग्राफ्स हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट हैव बैकग्राउंड कलर येलो एंड टेक्स्ट कलर रेड, ठीक है। तो ये जो है पहला पैराग्राफ जो है आपका वो उसके लिए कंडीशन दी हुई है और बाकी सारे पैराग्राफ्स का बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर वाइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा कि जो मेरा पैराग्राफ है यानी कि मेरे सारे पैराग्राफ्स उसमें बैकग्राउंड कलर जो है उसको मैं डाल दूंगा ब्लू, जैसे कि बोला गया था। बाय द वे मैंने कंट्रोल एंटर मारा, अगर आप लोग को नहीं पता तो जैसे मान लो आपका कर्सर यहाँ पर है और आप लोग नई लाइन में लाना चाहते हो, ये चीज़ें भी बताता रहूँगा आपको, कंट्रोल एंटर मारो सीधे नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आपका कर्सर कंट्रोल एंटर मारो सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट बोला गया। तो सारे पैराग्राफ्स का बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा, यहाँ पर कोई सरप्राइजेस नहीं, ठीक है। मैं ज़रा लाइव सर्वर में खोल लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, या फिर यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए यहीं पर रहने देते हैं, हमें कलर ही तो देखना है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो पैराग्राफ है ना डिव के अंदर का जो पैराग्राफ है ना, मैं कहूँगा कि अगर वो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, तब क्या कर दो, तब बैकग्राउंड कलर को कर दो, क्या बोला मैंने, येलो और टेक्स्ट कलर को कर दो रेड, ठीक है। येलो और टेक्स्ट कलर को क्या कर दो रेड, ठीक है। तो जो पहला वाला हमारा पैराग्राफ होगा वो ऐसे हो जाएगा और बाकी सारे पैराग्राफ जैसे हमने स्टाइल किए हैं वैसे होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा था, लोगों ने इसको nth चाइल्ड स्यूडो सिलेक्टर यूज़ करके भी किया हुआ है। nth चाइल्ड में मतलब जैसे ये फर्स्ट चाइल्ड में फर्स्ट वाला चाइल्ड को अगर p फर्स्ट वाला चाइल्ड हुआ तब ऐसा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा पैराग्राफ पर। nth चाइल्ड में क्या होता है, जैसे मान लो आप nth चाइल्ड करके 2 कर देते हो, तो अगर जो p है वो सेकेंड चाइल्ड होगा तब अप्लाई होगा। जैसे मान लो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यार, क्योंकि हम यहाँ पर CSS ही सीखने के लिए आए हुए हैं। अगर nth चाइल्ड 2 कर दिया मैंने और इसको मैं लगाऊँ यहाँ पर, तो आप देखो जो सेकेंड चाइल्ड होगा उस पर अप्लाई हो जाएगी प्रॉपर्टी। देखो इसका मतलब ये होता है कि p पर ये प्रॉपर्टी तब लगाओ जब ये सेकेंड चाइल्ड हो अपने पेरेंट का, ठीक है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बट इसको मैं मिटा ही दूंगा क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर CSS HTML कोड टू स्टाइल अ पैराग्राफ Inside a div which contains 5 other paragraphs. अब इसके अंदर 5 other paragraphs हों या 10 other paragraphs हों या 20 other paragraphs हों, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो उसका बैकग्राउंड कलर येलो और टेक्स्ट रेड करना है, जो कि हो चुका है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो और टेक्स्ट कलर रेड। और बाकी पैराग्राफ्स का बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर वाइट हमने कर दिया है, जैसे आप देख सकते हो। दी HTML इज रिटन बिलो फॉर योर रेफरेंस, डू नॉट चेंज दिस HTML। अब ये नहीं कि आपने इनलाइन स्लाइस डाल दी इसलिए मैंने बात लिखी थी, डू नॉट चेंज दिस HTML, ठीक है। तो चलो चलते हैं यार शाउट आउट देते हैं अगले एपिसोड में अपने, चलते हैं कौन बनेगा शाउट आउट पति के। और यहाँ पर इन्होंने बिना हैशटैग के लिखा है मोहम्मद हसन ने, एंड इनको एक बिग शाउट आउट, इनकी CSS देखना चाहूँगा। इन्होंने बिल्कुल वही किया जो मैंने किया है, डेव पी करके इन्होंने बैकग्राउंड कलर को ब्लू और वाइट किया है जैसे कि मैंने किया है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर वाइट पी। और इनफैक्ट पूरी छाप दी है इन्होंने, नहीं मैंने छाप दी है वैसे इनकी, मैंने एक्चुअली में चीटिंग नहीं करी है गाइस, मेरी बात माने आप,
ठीक है, ऐसा मत समझना मैंने इनका सॉल्यूशन चीट किया है, नहीं किया है, एग्जैक्टली हमारा सॉल्यूशन सेम है। तो बिग शाउट आउट टू मोहम्मद हसन, फिर देवदत्त पॉल, लेट्स सी हिज सॉल्यूशन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने पी फर्स्ट चाइल्ड, डिव फर्स्ट चाइल्ड, पी फर्स्ट चाइल्ड। डिव फर्स्ट चाइल्ड करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर है क्या कि आपने डिव अगर अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, मुझे जिस चीज़ का सेंस नहीं बना। इनफैक्ट अगर मैं इनकी सी एस एस लगाऊँ ना यहाँ पर, तो ये काम भी नहीं करेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी सी एस एस को कमेंट आउट करता हूँ और इनकी सी एस एस को यहाँ पर लगाता हूँ, और आप देखो इनकी सी एस एस काम भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कहा था कि इनसाइड अ डिव विच कंटेन्स फाइव अदर पैराग्राफ्स, द फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट हैव बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, तो देखो नीचे वाले का जो कलर था वो ख़राब हो गया। तो इनका सॉल्यूशन तो रॉन्ग है, लेकिन इनका सीखने का इंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनको बिग शाउट आउट यार, देवदत्त पॉल। आप देखें कि आपके क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी। फिर इसके बाद रोहित जगताप 547, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्लास लगा दी है, एंड क्लास लगाकर आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपने कर दी एच टी एम एल चेंज। भाई साहब ये जो है मैंने लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि आप एच टी एम एल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बिग शाउट आउट रोहित जगताप को। और आप देखना अपनी गलती को, और आने वाले क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में एक नए खिलाड़ी की तरह उभर के आना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने पी फर्स्ट चाइल्ड यूज़ किया है, और यहाँ पर बिल्कुल वही किया इन्होंने जो मैंने किया है। बिग शाउट आउट टू सूरज विश्वास, फिर देवेंद्र चौहान को बिग शाउट आउट कि इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने आईडी डाल दी, एमडी हुजैफ ने। एमडी हुजैफ भाई आईडी क्यों डाल दिया आपने? हाँ क्या इनलाइन स्टाइल ही डाल देते आप? आपको डालना ही था तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, एमडी हुजैफ समझेंगे मैंने क्या कहा और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड आई होप कि एक बेहतर खिलाड़ी की तरह आने वाली एक्सरसाइज में उभर के आएंगे। ठीक है, तो कमबैक करेंगे बहुत जल्दी, मुझे पता है। और सुमित हांडा का देखते हैं यहाँ पर क्या सीन बन रहा है। यहाँ पर इन्होंने भी एग्जैक्टली नॉट फर्स्ट चाइल्ड करके इन्होंने टारगेट किया हुआ है। हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, नॉट फर्स्ट चाइल्ड करके भी आप टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इनकी सी एस एस भी काम करेगी, एंड वी कैन एक्चुअली चेक इट। ठीक है, अगर इन्होंने कोई सिंटेक्स में गड़बड़ नहीं करी तो चलेगी और चल रही है। ठीक है, बट मैंने जैसे आपको बताया कि आप सारे पैराग्राफ्स में एक चीज़ कर दो और बाकी इस तरह से कर दो। तो यार इनको बिग शाउट आउट, और इसके बाद मैं और लोगों को शाउट आउट देता हूँ जिन्होंने सॉल्यूशन दिया है। ओंकार जवकार, फिर शुभम और सुकेश को शाउट आउट, विदाउट मी को शाउट आउट, एम डी आर ए हुसैन को शाउट आउट, अरशद को शाउट आउट, हाशिर को शाउट आउट, श्रेष्ठ को शाउट आउट, तौसीफ को शाउट आउट, प्रीतम को शाउट आउट, नितेश को शाउट आउट, मोहित को शाउट आउट, आर्यन को शाउट आउट, रिया को शाउट आउट, विकास गुप्ता को शाउट आउट, पठान बख्तवार को शाउट आउट। अब मैंने नीचे से सब लोगों को शाउट आउट दिया, मैं कुछ रैंडम शाउट आउट दूंगा ऊपर आकर, और रैंडम शाउट आउट्स में देना चाहता हूँ यूज़र को, यूज़र को फिर से देना चाहता हूँ, अरे ये यूज़र इतने कहाँ से आ रहे हैं, स्टडी को देना चाहता हूँ, अरे अरीबुल हक को देना चाहता हूँ, फिर थॉर को देना चाहता हूँ शाउट आउट, यूज़र वूज़र को नहीं दे रहा हूँ मैं शाउट आउट भाई, प्रिंस को दे रहा हूँ शाउट आउट, यूज़र यूज़र को भी शाउट आउट, समाधन पाटिल को शाउट आउट, उमर को शाउट आउट, रंजीत को शाउट आउट, हसलर को शाउट आउट, साई चंद को शाउट आउट। एंड आई होप कि आप लोग को पसंद आया ये हमारा जो एक्सरसाइज थी। इसके बाद मैं स्क्रॉल कर देता हूँ यार, ताकि सबके नाम जो है कम से कम, शाउट आउट अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो स्क्रीन पे तो झलक जाए। ठीक है, और मुझे पता है ये देखकर चक्कर आएगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन आप देखें यार इसको, देखें ये आप देखें। बाय द वे आपको अगर नहीं पता तो आप अगर बीच का माउस व्हील दबाते हैं और ऊपर पे करते हैं अपने माउस को, तो इस तरह से स्क्रॉल होता है, और रिकॉर्डिंग के टाइम पर ये काफ़ी काम आता है मेरे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एडिटिंग के टाइम पर यूज़ करना चाहता हूँ। बट मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस करें। उसी के साथ साथ गिटहब पे सोर्स कोड मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, कभी कभी मुझे शायद आधा घंटा लेट हो जाता है, कभी मैं भूल गया, अगर बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि एक दिन लेट हो गया मुझे सोर्स कोड डालने में, तो आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें, आपको मिल जाएगा। बाय द वे मैंने ये जो पुल रिक्वेस्ट किसी ने डाली थी इसको मर्ज कर दिया, मुझे बहुत सही लगा ये डिस्क्रिप्शन। आप इसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, बट मैं कहूँगा फोकस मत करना है इस चीज़ में, फोकस करो अभी वेब डेवलपमेंट सीखने में। सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में हमारा पहला फोकस है वेब डेवलपमेंट सीखना, तो आप उसी में फोकस करो। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ पर मज़ा आ रहा होगा, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा इस कोर्स को करने में। कैसा लग रहा है मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ इस कोर्स में, और इस कोर्स में जाकर इसके पहले वीडियो में कॉमेंट करके बताओ मुझे कि यार ये कोर्स कैसा है। यहां पर जाकर 5 में से मुझे स्टार्स दो, उन लोगों के लिए जो कि स्टार्ट करने वाले हैं इस कोर्स को। तो मैं अभी के अभी यहां पर सोर्स कोड जो है डाल देता हूं पुश करके, और यहाँ पर आप लोग को ये सारे इनके नाम अपडेट होकर मिल जाएंगे। मैंने एक्चुअली ये नाम चेंज करें ताकि ऊपर से नीचे को, अभी देखो वीडियो 0102 करके सीरीज़ में आ गया। इट वाज़ एक्चुअली अ गुड आइडिया जिसने भी मुझे दिया, उनको बिग शाउट आउट। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है यार इस कोर्स में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।